ಕಾರ್ಯಪರ ನಾಟಕ ರದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು 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 ಅಖಂಡ ಕಾರ್ಯಪರ ನಾಟಕ ರದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು 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 ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಜೈವಾಗಲಿ 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 ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜೈವಾಗಲಿ 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 ಆಜ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಲೆ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ IGP को और सिटी कमिश्नर पुलिस हमने एक कंप्लेंट दिया है कि हमारा डिमांड है कल और परसों दो दिन जो अडंड कार्यपा लिखे सो नाटक ड्रामा जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम वो रद्द करने के लिए आग्रह करके आज एक हमने कंप्लेंट दिया है और हमने कहा है वो जो नाटक लिखा है वो नाटक के अंदर सिर्फ झूठे बातें नहीं है उसके अंदर एक कम्युनल वायलेंस का जो बीज है उसमें है वो गलत है और उनका जो एजेंडा है नाटक का अंदर का एजेंडा RSS का एजेंडा है। आज BJP का राज्य अध्यक्ष नलिन कटील का एक स्टेटमेंट है पेपर में, उन्होंने कहा है कि इस इलेक्शन सावरकर का विचार और टिप्पू सुल्तान के विचार के बीच का संघर्ष है, वो कहाँ है? तो मतलब अडंड कार्यपा जो नाटक लिखा है वो जो कल और परसों यहाँ प्रदर्शन होने वाले हैं उस नाटक और BJP का अध्यक्ष का बात दोनों एक ही है। BJP का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नाटक लिखा है, ये ड्रामा लिखा है, वो प्ले कर रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि टिप्पू सुल्तान को उन्होंने बताया है वो देशद्रोही है, उनका पूरा चरित्र है वो ट्विस्ट करके लिखा है, वो गलत है, झूठ है। और जो कम्युनल वायलेंस करने का और माइनॉरिटी वालों के बारे में लोग उनके खिलाफ रहना, उनके खिलाफ विचार लोगों के मन में पैदा करने का बात उसके अंदर है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमने कह रहे हैं वो नाटक प्रदर्शन रद्द करो। अगर नहीं करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है तो हमको भी है। अगर वो विष फैलाने का जो पॉइजन है फैलाने का अधिकार उनको है, हक उनको है, स्वतंत्र उनको है, तो हमें भी इस बात का स्वतंत्र है। किस बात का? टिप्पू सुल्तान कैसा देश प्रेमी था, टिप्पू सुल्तान हमारे देश के लिए उनके दो बच्चों को उन्होंने गिरवी रखे थे ब्रिटिशों को, और हमारे देश में जो पहला स्वतंत्र का जो भी काम किया है टिप्पू सुल्तान ने किया है, एक राजा होके उन्हें कहते हैं कि वो राजा नहीं कहते, मैं सिटीजन टिप्पू हो कहते हैं। इतना उनके बारे में सबूत है, उसके सबूत के बावजूद भी इन्होंने झूठे लिख कर हमारे भविष्य के बच्चों के दिमाग में इन्होंने पॉइजन डाल रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है, ये गुलबर्गा और हमारे हैदराबाद कर्नाटक है, उन्होंने जो कहते हैं कल्याण कर्नाटक, हमारे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब हम मिलजुल के रहते हैं, मगर उनके नाटक का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम लड़ना, कम्युनल वायलेंस होना और लोग बिछड़ना और पूरा हिंदुओं का वोट उन्हें लेना, ये उनका एजेंडा है। उन्हें बांट रहे हैं कि हम कहते हैं धरती बांटो सागर बांटो, मत बांटो इंसान को, मगर वो इंसान को बांटना चाहते हैं। इंसान को बांटने के लिए उन्होंने ये ड्रामा प्ले कर रहे हैं, हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमने कमिश्नर को कहा है हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल हमने भी हेडी सावरकर का एक नुक्कड़ नाटक हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कैसा 5 बार लेटर लिख के उन्होंने ब्रिटिशों को लिख के हम कभी फ्रीडम कभी हमने स्वतंत्र आंदोलन भाग नहीं लेते, हमें माफ़ कर दो, वो माफ़ीनामा लिखकर ब्रिटिशों को दे दिया है। 5 बार, एक बार नहीं है, 5 बार लिखकर दिया है कि हमें छोड़ दो, हम कभी आपके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये लिखे सो है, ये दाखिल है, मेरे बात जो भी सुन रहे हैं आप ऑनलाइन में जाकर देखो, 5 लेटर आपको मिलता है। जो ब्रिटिशों को माफ़ी मांगे हैं कि उनको आप वीर कह रहे हैं, जो ब्रिटों के साथ आखिरी दम तक लड़े हैं कि आप उनको देशद्रोही कहते हैं, अरे वाह, कहाँ के हैं अडंड कार्यपा जी, ये नहीं चलेगा हमारे गुलबर्गा में, हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने लेटर दिया है, आज हमने शाम प्रोटेस्ट करते हैं, कल एक हम नुक्कड़ नाटक भी प्रदर्शन करते हैं। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक हम जगत सर्कल में रहते हैं, हम सब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए। हम अपील करते हैं जो भी देश प्रेमी लोग हैं आप आ जाइए, इस देश में सौहार्द परंपरा को कायम रखने वाले हैं आप आ जाइए, शामिल हो जाइए, क्योंकि इस देश में दूसरा स्वतंत्र आंदोलन शुरू हुआ है, जो आंदोलन
आंदोलन में भाग लेते हैं और स्वतंत्र सेनानी हो जाते हैं और देश प्रेमी बन जाते हैं। हम सबको आह्वान करते हैं। आज गुलबर्गा में कलबुर्गी यहाँ बंदे नवाज और शाना बसप्पा अप्पा की जो कर्म भूमि है, सौहार्दता का भूमि है, यहाँ तमाम संगठना जो प्रोग्रेसिव संगठना है वो प्रोग्रेसिव संगठने के सब लीडर्स यहाँ मौजूद है। मकसद है कलबुर्गी में रंगायण की तरफ से टिप्पू सुल्तान निज कनसगढ़ बोल के एक झूठे नाटक कल प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको रद्द करने के लिए हम आग्रह करते हैं जिला आड़ के ऊपर, क्योंकि टिप्पू सुल्तान की जो हिस्ट्री जो इतिहास थे इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर झूठे इतिहास को झूठे गवाही को इधर पेश करने जा रहे। इनका मकसद है हिंदू मुस्लिमों के बीच में झगड़ा कराने का और माइनॉरिटी लोगों को उकसाने का। उकसाने के बाद वो लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, उसके ऊपर केस डालने का, उस जरिए नॉन अल्पसंख्यक जो नॉन मुस्लिम नॉन क्रिश्चियन वोट्स है वो वोट को इकट्ठा करने का और इलेक्शन में जीतने का इन लोगों की कोशिश है। लेकिन ये काजे बंदे नवाज और शरण बसप्पा अप्पा के सरजमीन हैं, यहाँ पर ऐसा धार्मिक द्वेष नहीं चलेगा। मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के लोग समझदार हैं, फिर भी बाहर से लोग आते हैं। बाहर से लोग आके सरकार ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर भय पैदा नहीं करना चाहिए, लोगों को ऐसा नंगा नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। झूठे इतिहास को पेश करना, झूठे कथन को गढ़ना और ऐसे जरिए लोगों के बीच में जो भेदभाव पैदा करने जा रहे हैं उसको हम नकारते हैं, थुत्कारते हैं। और ये जो नाटक कल और परसों इधर पेश होने वाला है वो नाटक को बंद करना चाहिए। अगर वो नाटक नहीं बंद करेंगे, हम भी हेडी सावरकर, इसका मतलब है कायर सावरकर, वीडी सावरकर नहीं है, वो हेडी सावरकर है। हमारे पास भी बहुत कुछ गवाहें हैं, बहुत कुछ इतिहास के पन्ने हैं जो सावरकर को कायर ठहराते हैं। सावरकर ने ब्रिटिश सरकारों के सामने माफ़ी मांगा था, जो माफ़ी मांग के उन्होंने लेटर लिखा है वो लेटर आज भी मौजूद है, सभी के पास भी है। उसको जरिए वो लेटर को लग के और जो कुछ भी वीडी सावर का कारनामा था वो कारनामा को नाटक के रूप में हम भी पेश करने जा रहे हैं। अगर ये लोग टिप्पू सुल्तान की नाटक प्रदर्शन रद्द नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो हम लोग हेडी सावरकर का नाटक उसी दिन पेश करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से दरखास्त है कि यहाँ चैन अमन शांत है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बसर कर रही है, लोगों के बीच में ऐसा भय मत पैदा करो, लोगों के अंदर फूट मत डालो, लोगों को डिस्टर्ब मत करो। इसलिए ऐसे जो कोम भावना उकसाते हैं ऐसे नाटक का प्रदर्शन बंद करो, यहाँ शांति चैन अमन कायम करो। इसलिए दरखास्त देने के लिए आज कमिश्नर के पास हम आए, तमाम संगठने वाले हैं, इधर कोई एक दो नहीं है, हम पूरे जितने भी गुलबर्गा में जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव संगठन है, वो संगठन के सभी लीडर इधर मौजूद है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं ऐसे नाटक का प्रदर्शन मत करो, उसको बंद करो और शांति चैन अमन से लोगों को जिंदगी बसारने की प्रबंधन करो, बोलने के लिए हम इधर आए हैं। नमस्ते। वो नाटक में ऐसा क्या दिखाया? वो नाटक में टीपू जो मथांध थे उन्होंने लोगों को उकसा के डरा के इस्लाम को मतांतर किया है, वो बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर शोषण करते थे, हिंदुओं के ऊपर हमला करते थे, ताकि ऐसा नहीं है।
टिप्पू सुल्तान को लोगों ने मैसूर नकली बोल के लोगों ने उसको दर्जा दिया था। कोई सरकारी अफसर नहीं है, सरकारी जो स्वार्थ के लिए नहीं दिए, लोग दिए थे, आम पब्लिक, आम जनता उसको मैसूर नकली बोल के पुकारते थे, क्योंकि ब्रिटिशों के सामने इतना ज़ोरदार से कोई भी अगर संघर्ष किया, कोई भी अगर युद्ध किया था, वो अकेला टीपू सुल्तान था। अपने बच्चों को उन्होंने ब्रिटिश सरकार के यहाँ गिरवी रखा था, यहाँ तक कि देश के लिए, इस धरती के लिए, ऐसा उनका सोच था। लेकिन ये लोग ऐसा पेश कर रहे टीपू सुल्तान को जो धर्मांतर करते थे और जो एकदम हिंदू विरोधी थे। टीपू सुल्तान ने हिंदू के बहुत सारे मंदिरों को, हिंदू के मठों को इतना उन्होंने इनाम दिया, इतना इन्होंने पैसा दिया, कभी कोई नहीं दिया था। मराठा ने श्रृंगेरी शारदा जो मंदिर था उसका पूरा ध्वंस कर दिया था, उसको नाश कर दिया था। टिप्पू सुल्तान था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ऐसा पूरा यहाँ आंकड़े है, ये सब आंकड़े रहने के बावजूद भी ये मनगढ़ंत कहानी अपना रहे हैं। मनगढ़ंत कहानी पूरा काल्पनिक है, काल्पनिक के रूप से जो नाटक वो पेश कर रहे, उनका मकसद है हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डालना, लोगों को बांटना, उसका मकसद है। हम उस मकसद को कामयाब नहीं होने देते हैं। मैडम ये प्रोग्राम कहाँ होने वाला है? रंग मंदिर अपने रंग मंदिर में कल और परसों इसका प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन का हमने विरोध करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए इधर हम इकट्ठा हुए।